this. समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? गाइस, आज की इस वीडियो में आप लोग देखेंगे WWE की कुछ ऐसी मोमेंट्स जब सुपरस्टार्स किए कुछ शर्मनाक काम, तो देर किस बात की? चलिए शुरू करते हैं। नंबर वन, दूसरे की बीबी को पटाने गए थे और खुद ही पीट के आ गए। गाइस, ये बात थी रॉकी एक एपिसोड की। उस एपिसोड में इंजो अमोरे गए थे रूसेप की वाइफ लाना को इम्प्रेस करने के लिए, उनके साथ डेट करने के लिए। और तब इंजो का दोस्त बिग कैश मैच खेलने के बावजूद भी फोन किया इंजो अमोरे को, लेकिन इंजो मौज में थे और इसीलिए तो फोन को भी काट दिया। और इसके बाद गए लाना के रूम में और लाना उनको लेकर रूम के अंदर चले गए। और इसके बाद एक बहुत ही मीठी हक किया इंजो अमोरे को और इंजो के दिल में लड्डू फूट रहे थे, लेकिन ये सब कुछ माया जाल था कुछ सेकंड्स के लिए। और इसके बाद लाना इंजो को बोली कि चलो कपड़े उतारो और इंजो वही किया। और इसके बाद इंजो अपने मूड में आ गए थे और इसके बाद रूम से बाहर आए लाना के हस्बैंड द बुल्गेरियन प्रो रूसेव। और इसके बाद रूसेव ने जो अटैक किया भाई, वो मैं आपको क्या बताओ, मार मार के हलाटार कर दिया इंजो अमोरे को। गाइस, ये बात थी स्मैकडाउन के एक एपिसोड की। उस एपिसोड के बैक स्टेज में बहुत ही ब्यूटीफुल मैंडी रोज बुलाया जिमी उसो को और जिमी उसो गए मैंडी रोज के होटल रूम में, और जहाँ पे मैंडी रोज बैठे हुए थे अपनी हॉट ड्रेस में, और जिमी को बोला कि जिमी अंदर आओ, शर्माओ मत। और इसके बाद अपने ड्रेस को खोलने लगे, लेकिन जिमी उसो मैंडी को बोलने लगे थे कि ये सब मत करो, ये सब बहुत ही गलत है। और तभी कैमरामैन फोटो खींच लिया और मैंडी रोज जिमी उसो को ब्लैकमेल करने लगे। और तभी आए जिमी उसो के वाइफ नाओमी और नाओमी अटैक करना चालू किया मैंडी रोज के ऊपर उस रूम में। गाइस, एक बार रॉकी एक एपिसोड में हुआ था एक मैच एजिली वर्सेस निकी बेला के बीच, लेकिन उस मैच में निकी बेला के बहन ब्री बेला चीटिंग किया और जैसे ही मैच शुरू हुआ तब एजिली को पकड़ के रिंग साइड में एक पप्पी कर दिया और डिस्ट्रैक्ट हो गए थे एजिली। और इसके बाद निकी बेला एक घूसा मार दिया और एट दी एंड दिया उनके फिनिशर और इस मैच में जीत हासिल किया। गाइस, रॉयल लेवल में हुआ था एक मैच डिवस चैंपियनशिप के लिए बेकी लिंच वर्सेस शार्लेट फ्लेयर के बीच, और रिंग साइड पे थे शार्लेट की फादर रिक फ्लेयर, और जो दिखने में बहुत ही बुढ़ा है लेकिन अंदर से बहुत ही जवान है। और इसलिए जब मैच शुरू हुआ तब रिंग साइड में बेकी को डिस्ट्रैक्ट किया रिक फ्लेयर और एक पप्पी कर दिया, और इसके बाद बहुत जोर जोर से बेकी को मॉक कर रहे थे और वो कर रहे थे। और इसके बाद बेकी ने एक थप्पड़ जड़ दिया रिक फ्लेयर को, लेकिन क्या फ़ायदा। और गाइस, यही तक थी आज की ये वीडियो। तो कैसी लगी ये वीडियो, एक कमेंट तो कर दो। अगर पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।